ओके बेटा चले यार, अब हम लोग जो है वो स्ट्रिंग हैंडलिंग की तरफ आए थे बेटा। ठीक है, स्ट्रिंग हैंडलिंग इज अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो बहुत सारी चीजों को कवर कर रहे हैं। ठीक है जी, और इसके अंदर हम लोगों ने देखना है कि किस तरीके से हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो बेटा हमने कवर करनी है वो ये करनी है, वो हमने ये देखना है कि स्ट्रिंग हैंडलिंग होती क्या है, इसकी डेफिनेशन की हम जरा बात कर लेते हैं। डेफिनेशन तो नहीं है, आप ये कह सकते हो स्ट्रिंग आपको पता ही है कि वो वेरिएबल होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम लोग इसे यूज कर रहे होते हैं। ओके बेटा, तो हम आज की क्लास में जो बात कर रहे हैं और उसमें हम बात करेंगे स्ट्रिंग हैंडलिंग। तो मैं आपको ये बता रहा था कि स्ट्रिंग हैंडलिंग की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, बस ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रिंग हैंडलिंग मतलब हम लोग यूज कर रहे होते हैं जब भी हम स्ट्रिंग के ऊपर कोई ऑपरेशंस अप्लाई करना चाह रहे होते हैं। या देखें, स्ट्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कुछ इस तरह का है कि हम लोग उसे, तो स्ट्रिंग हैंडलिंग के अंदर बेटा मैं ये बात कर रहा था कि स्ट्रिंग का जो वेरिएबल होता है, जो हमने बताया था शुरू में डेटा टाइप जब हमने पढ़ी थी, कि ये बहुत कॉमन होता है। कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर मुझे किसी का नाम सेव करना है स्ट्रिंग होगा, ईमेल आईडी सेव करना है स्ट्रिंग होगा, ठीक है जी, इसी तरह से पासवर्ड होगा स्ट्रिंग होगा। सो दे आर मल्टीपल प्लेसेस वेयर वी आर यूजिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग के ऊपर हमने बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हो, ठीक है, सम टाइम हमें उसको लोअर केस है तो अपर केस में कन्वर्ट करना होता है, सम टाइम हम जो है वो उस डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर नंबर्स में से नंबर सेपरेट कर लेते हैं, ईमेल आईडी सेपरेट कर लेते हैं। तो डिफरेंट तरह के ऑपरेशन हमें क्या करने होते हैं बेटा, परफॉर्म करने। ठीक है, फिर आगे बात को जरा लेके चलते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर हम लोग जो है वो जब बात करते हैं तो कितने इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, स्ट्रिंग होता क्या है, स्ट्रिंग के बारे में अगर आप पूछेंगे तो आप ये कह सकते हो कि स्ट्रिंग्स आर यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट डेटा विच कंटेन नंबर्स एंड मल्टीपल कैरेक्टर्स। ठीक है जी, तो इसके बारे में अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख लें कि स्ट्रिंग्स आर यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट अपनी आवाज भी मैंने म्यूट की हुई थी, अब जरा इसको लिख लें। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अंदर हम बात करें स्ट्रिंग के, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, लेंथ, सब स्ट्रिंग, अपर एंड लोअर। ठीक है, ये इसके जो है वो फंक्शंस होते हैं बेटा जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो लेंथ का फंक्शन क्या है, लेंथ का फंक्शन ये होता है कि नंबर ऑफ करेक्टर्स फाइंड करके बताता है, बहुत आसान सा फंक्शन है। ठीक है, इट इज यूज टू फाइंडिंग या काउंट द नंबर ऑफ करेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। ठीक है बेटा, मैं आपको एग्जांपल सबकी वन बाय वन करवा दूंगा ताकि समझ में भी आ जाए। सब स्ट्रिंग का क्या काम है बेटा, सब स्ट्रिंग का काम ये होता है कि कंप्लीट स्ट्रिंग में से अगर मैं कोई स्पेसिफिक पार्ट अलग करना चाह रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास पूरा ईमेल आईडी है, मैं कह रहा हूँ यार एट द रेट से पहले पहले जितने भी करेक्टर्स हैं वो उठा लो, तो वहां पर हम लोग यूज कर रहे होते हैं सब स्ट्रिंग। तो आप कैसे करोगे बेटा, उसके लिए आप ये करोगे, आप उसके लिए लिखोगे एक्सट्रैक्टिंग एक्सट्रैक्टिंग पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है जी, आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो किसी भी कंप्लीट स्ट्रिंग में से कोई स्पेसिफिक पार्ट। फिर इसके अलावा हमारे पे बेटा अपर और लोअर केस होता है, अपर केस का काम ही होता है कि वो स्ट्रिंग में के जो करेक्टर्स होते हैं उन्हें अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सो यू कैन राइट कन्वर्टिंग ऑल करेक्टर्स इनटू अपर केस, कन्वर्टिंग ऑल करेक्टर्स इनटू अपर केस। लोअर का काम क्या है बेटा, लोअर का काम ये होता है कि कन्वर्टिंग ऑल करेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग
इनटू लोअर केस। ठीक है बेटा, ये किसको कन्वर्ट कर रहा होता है, ये कन्वर्ट कर रहा होता है लोअर केस के। तो ये चार आपके पास क्या है बेटा, फंक्शंस हैं जो कि हमने यूज करने। अब इसके साथ साथ मैं आपको इसकी एग्जांपल भी करवा देता हूँ, सो दैट यू पीपल कैन इजीली अंडरस्टैंड कि कैसे चीजें हो रही हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए चीजें समझना भी क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो लेंथ का फंक्शन, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूँ, दो तरह से आप यूज कर सकते हो। तो अगर फॉर सपोज मैं आपसे ये कहता हूँ कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको लेंथ के फंक्शन की, सारे फंक्शन हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, एग्जाम्पल नंबर वन लिख लें प्रिंट, और उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ लेंथ LEN GTH, और उसके अंदर मैंने ये लिख दिया कंप्यूटर स्पेस साइंस। तो अब बेटा टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने होंगे इसके अंदर, तो अगर आप काउंट करेंगे वन बाय वन काउंट करेंगे बेटा, सो यू विल सी 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस के हो गए 9 10 11 12 13 14 15 और 16। सो जो आउटपुट पे रिजल्ट आ रहा होगा बेटा, वो क्या नजर आ रहा होगा, आउटपुट पे लिखा आ रहा होगा 16, क्योंकि प्रिंट क्या करता है, डिस्प्ले करेगा। क्या डिस्प्ले करेगा बेटा, जो लेंथ कैलकुलेट हुई हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसी तरीके से एग्जाम्पल टू क्या हो सकती है, एग्जाम्पल टू ये हो सकती है कि आप ये करें, बल्कि आप इसको इस तरह से करें कि आप जो है वो एक वेरिएबल के अंदर इनपुट ले लें। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई इनपुट, और उसके बाद मैं कह देता हूँ नेम। ठीक है, और उसके बाद मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई आंसर यहाँ लिख दें लेंथ और उसके अंदर आप क्या पास कर दें सर, नेम पास कर दें। तो जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो अब अगर मिसाल के तौर पे यूजर ने जो कुछ भी दिया होगा, वो डिपेंड करेगा यूजर क्या इनपुट कर रहा है। यहाँ तो हमने फिक्स कर दिया था ना पहले एग्जाम्पल के अंदर, यहाँ पर हमने क्या किया, फिक्स नहीं किया, हमने कहा कि भाई इनपुट नेम कर। तो अगर यूजर ने, लेट सपोज यूजर एंटर करता है, तो क्या लिखाएगा बेटा, 3 लिखाएगा, क्योंकि यहाँ से जो लेंथ निकली होगी नेम की वो आंसर में गई, और स्क्रीन के ऊपर क्या लिखाएगा बेटा, 3 लिखा हुआ आ रहा होगा, क्योंकि आंसर के अंदर 3 सेव हुआ होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आपको वो कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, वो आपसे बोल सकता है कि इसका आउटपुट बता दो, आप इसका आउटपुट बता दो। ठीक है, चलें जी, ये किसकी एग्जांपल हो गई, ये एग्जांपल हो गई आपके लेंथ के फंक्शन की। ये ज्यादातर कहाँ यूज होता है, पासवर्ड्स के अंदर यूज होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर 8 होने चाहिए वहां पे। सही है बेटा, नाउ लेट्स मूव ऑन, अनदर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं इसके ऊपर। अब मैं आपको बता देता हूँ, लेट सपोज लोअर, पहले अपर और फिर उसके बाद लोअर और उसके बाद लास्ट में जाए। अपर की एग्जाम्पल क्या है बेटा, अपर केस की एग्जांपल क्या है बेटा, अपर केस की एग्जांपल ये हो सकती है कि मिसाल के तौर पे इसके अंदर भी आप दोनों तरह से पास कर सकते हो, या तो आप ऐसे कर लो, यू केस, बल्कि प्रिंट के साथ लिखें, आप लिखें प्रिंट यू केस, और कोटेशंस में आप लिख दें, जैसे लेट सपोज मैं लिख देता हूं। तो अब जब मैं प्रिंट करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा बेटा, इसका आउटपुट इस तरीके से आ रहा होगा। ओके, और अगर मैं इसको इस तरह से करना चाहूं कि भाई यूजर से हम पूछ रहे हैं, तो यूजर ने जो कुछ भी दिया होगा वो हम कवर कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे मैंने कहा इनपुट, मैंने लिख दिया यहाँ पे लेट सपोज नेम ही कर लेते हैं, ठीक है जी, नेम, और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं प्रिंट, और उसके बाद फिर हम यहाँ क्या करेंगे यू केस, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, नेम आ जाएगा।
बताने का मकसद जो असल में इस एग्जाम्पल का है वो ये है कि आप चाहें तो डायरेक्टली स्ट्रिंग पास कर दें या चाहें तो वेरिएबल में इनपुट लेने के बाद पास कर दें। तो वेरिएबल भी पास हो सकता है इन फंक्शंस के अंदर और डायरेक्टली वैल्यू भी पास हो सकती है, ठीक है। क्योंकि असल में कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे नेम है, नेम के अंदर मैंने रखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर एम वाई, तो ये जो एम वाई एम है ये बेसिकली वैल्यू है। ये क्या कहलाती है बेटा? और ये जो है ये क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। तो डायरेक्ट वेरिएबल पास करना है या डायरेक्ट वैल्यू पास करनी है, दोनों चीजें कर सकते हैं। चलें जी आगे बात को लेके चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे लोअर केस की। लोअर केस में क्या बेटा? लोअर केस में ये होगा कि आपको इसमें लिखना पड़ेगा एल केस और उसके बाद सेम मेथोडोलॉजी विल बी यूज हियर। मैं इसकी एग्जांपल लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, होपफुली यू पीपल विल अंडरस्टैंड। कोई मसला हो तो मुझे बता दिएगा, जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ कि एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल केस और उसके बाद मैं डायरेक्ट वैल्यू पास कर देता हूँ एम बाय एम, तो यहाँ पे जो कैपिटल एम है वो भी स्मॉल में आ जाएगा और जो स्मॉल में है वो स्मॉल में ही रहेगा। ये मत सोच लीजिएगा कि स्मॉल वाला कैपिटल में कन्वर्ट हो। ओके दैट्स इट। इसी तरीके से वेरिएबल यहाँ पे पास करें। असल जो फंक्शन है इम्पोर्टेंट जो मुझे आपको करवाना था, वैसे तो मुझे सारे फंक्शन ही बताने हैं लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसमें स्टूडेंट्स को आप ज्यादा ट्रिक कह सकते हैं लगानी पड़ती है, वो ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे आपको करवाऊं सब स्ट्रिंग की, अगर मैं बात करूं तो सब स्ट्रिंग कैसे यूज होता है? सब स्ट्रिंग की अगर बेटा बात करें तो सब स्ट्रिंग में ये होगा कि अगर जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूं, इफ आई से या वैल्यू बोल देता हूं मैं, वैल्यू इज इक्वल टू सब स्ट्रिंग और उसके बाद मैं यह लिख देता हूं कंप्यूटर साइंस और उसके बाद मैं लिख देता हूं यहाँ पे 10 कॉमा 7, तो और फिर मैं इस वैल्यू को क्या करा लेता हूँ बेटा? प्रिंट करा लेता हूँ। अब कंप्यूटर हमने यहाँ यूज किया है, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, पूरा वर्ड यूज किया है और यहाँ पे जो 10 है और 7 है इसका फर्क है बेटा, 10 जो होता है वो बताता है स्टार्टिंग लेटर, स्टार्टिंग करेक्टर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा स्टार्टिंग करेक्टर को, कि आप कहाँ से करेक्टर उठा रहे हो, एक्सट्रैक्ट करना है ना आपने, तो किस पोजीशन से आपने एक्सट्रैक्ट करना है। तो कंप्यूटर का सी पहली पोजीशन हो गया बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एस से उठेगा और कितने करेक्टर्स उठेंगे बेटा? 7। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ करेक्टर्स को। सही है। तो आउटपुट पे जो रिजल्ट आ रहा होगा बेटा वो क्या आ रहा होगा? आउटपुट पे रिजल्ट आ रहा होगा साइंस, ठीक है बेटा। तो कंप्यूटर साइंस 10.7, तो कंप्यूटर साइंस का जो 10 है वो बेसिकली साइंस से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो साइंस जो है वो S10 पोजीशन पर है और जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स उठाने, अगर मैं यहाँ 3 लिख देता तो SCI आ जाता, ठीक है। तो मैं इसमें इस तरीके से भी पास कर सकता हूँ और अगर चाहूँ
और अगर चाहूँ तो मैं डायरेक्टली वेरिएबल भी पास कर सकता हूँ बेटा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू सब स्ट्रिंग, और इसके अंदर यहाँ मैं चाहूँ तो क्या लिख दूँ, वेरिएबल पास कर दूँ कि अगर मैं कह दूँ माई स्ट्रिंग, इसके अंदर मैं कह देता हूँ ए बी सी 1 2 3 4, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माई स्ट्रिंग 1,2। तो अब यहाँ पर मुझे बताएगा कोई आउटपुट क्या आएगा जब मैं प्रिंट करूंगा वैल्यू को, तो आउटपुट पे क्या आ रहा होगा बेटा, माई स्ट्रिंग के अंदर ये सेव है ए बी सी 1 2 3 4, तो क्या आएगा, ए भी आएगा क्योंकि फर्स्ट पोजीशन से उठाना है और कितने करेक्टर्स उठाने हैं, दो, तो आउटपुट पे आएगा ए और बी, ए भी आ जाएगा। सही है बेटा, क्लियर हो गई बात यहां तक। तो आज की क्लास में ही हमने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पुराने सिलेबस में नहीं था, नए सिलेबस के अंदर उन्होंने दिया है, वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक। और उसके बाद फिर हमने जो है वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हमने यहीं से बात को आगे कंटिन्यू करना है, और नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं आप लोगों को जो कवर करवाऊंगा वो कवर करवाऊंगा रिलेटेड टू फाइलिंग, और फिर एरे का टॉपिक भी। हो सकता है पहले एरे करवा दूँ, फाइलिंग बाद में करवा दूँ, क्योंकि फाइलिंग बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस ये कि वो टॉपिक हमने पढ़ना जरूर है। ठीक है, तो एरे स्टार्ट करेंगे 1D 2D एरे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उसके बाद बेटा फिर हम लोग 1D एरे के अंदर हमने बबल सॉर्ट और लीनियर सर्च, बस तो समझ लें कि हमें मैक्सिमम हमें 3 to 4 क्लासेस चाहिए होंगी सूडो कोड के सिलेबस को कवर करने के लिए, और 2 से 3 क्लासेस में हम इसकी ओवरऑल प्रैक्टिस कर लेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद फिर हम टेस्ट भी रखेंगे। ठीक है बेटा, चले जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।